बात अब करेंगे सिंहासन की। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजे आज ही आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। 16 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुआ था। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में 59 और नागालैंड की 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी। आज ये पता चलेगा कि इन तीन राज्यों पर कौन सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में, लेकिन इस बार चुनावी अगर समीकरण की बात करें तो बदलते हुए नजर आए हैं। अगर मेघालय की बात करें तो यहां पर हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए त्रिपुरा और नागालैंड की, तो यहां पर अगर एग्जिट पोल के नतीजे को आप देखेंगे तो एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। तो एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल साबित होता है तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन अगर मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका दबदबा देखने को मिला है एग्जिट पोल में। लेकिन अब 8 बजे के बाद से तस्वीर साफ होना शुरू होगी कि सिंहासन पर इन पूर्वोत्तर के तीन राज्यों की गद्दी पर कौन बैठेगा और किसकी जीत होने वाली है। नजर रहेगी इस पर हर किसी की। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर है। लेकिन खास ये भी है क्योंकि यहां पर स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पूर्वोत्तर के तीन राज्य जहां पर अगर त्रिपुरा और नागालैंड की बात की जाए और अगर एग्जिट पोल को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छी खबर थी, लेकिन अगर मेघालय की बात करते हैं तो वहां पर हंग असेंबली के आसार नजर आए हैं। आज की सुबह तो हर एक पार्टी के लिए धड़कन बढ़ाने वाली है। हम हमेशा जब पॉलिटिकल पार्टीज की भारत में बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया की बात जरूर करते हैं, नॉर्थ इंडिया में क्या ट्रेंड है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ या नॉर्थ ईस्ट हुआ, सबको उस तरीके से अब देखने को मजबूर कर दिया है कि हर एक चुनाव ये नैरेटिव सेट करता है कि 2024 के नतीजे क्या होने वाले हैं। ऐसे में बार बार ये बात कही जा रही थी कि 2023 के 9 चुनाव और 2024 का चुनाव, ये 2023 के 9 चुनाव तय करेंगे कि 2024 में जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। तो अब ये तीन राज्यों के चुनाव में कैसे नतीजे आते हैं, ये उस विपक्षी जो गठबंधन की जो बातें होती हैं उस पर उसको भी जवाब देगा। इसके अलावा एक बार फिर बीजेपी का मॉरल बूस्ट करने का काम होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से 2024 की एक एक सीटों को गिन रही है और जिस तरह से मेहनत की है, तो क्या नतीजे निकल कर आते हैं। और अगर तीन में से भी दो राज्यों में अच्छे से सरकार बन जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी जी, क्योंकि इसके बाद अब कर्नाटक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो साउथ का प्रवेश द्वार है जी। फिलहाल इन तीन राज्यों के नतीजे 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसके बाद मतगणना शाम 5 बजे तक चलेगी। तो ये किस तरीके से आते हैं, और जैसा आपने कहा कि लोकल मुद्दे वहां पर बहुत ज्यादा हावी है जी, वहां पर इश्यूज बहुत अलग हैं बिल्कुल। और एक समय तो ये था कि वो भारत से खुद को अलग ही मानते थे, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो सरकार के काम है वहां पर किस तरीके से काम हुआ है। इसके अलावा राहुल गांधी की पदयात्रा हालांकि वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगला पड़ाव नॉर्थ ईस्ट जाने वाला है, तो वहां के लोगों का क्या सेंटिमेंट है, वहां पे गठबंधन क्या चीज है, तो वो सारी चीजें आज देखने को मिलेंगी जो एक बार फिर देश का नैरेटिव सेट कर बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है अदिति। बिल्कुल, हर एक चुनाव जो नौ चुनाव है 2023 के, हर एक चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इस तीन राज्यों में जिसकी भी बढ़त ज्यादा होगी उसका मनोबल बहुत ज्यादा बनेगा जी, क्योंकि फिर वही बात है कि नॉर्थ में तो आप जीत लेते थे लेकिन साउथ में नहीं था, नॉर्थ ईस्ट तो एकदम गायब था क्योंकि वहां पर वामपंथी, लोकल इश्यूज और तमाम चीजें थी। और इस बार भी बड़ा रोचक होगा क्योंकि ममता बनर्जी का भी इंटरफेरेंस रहा है जी, और तमाम ऐसी चीजें रही हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि भले ही भारत जोड़ो यात्रा है, अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी अंत में
लेकिन कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं गया चुनाव प्रचार करने कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे ही बीजेपी में आपने देखा है कि रेड कार्पेट हुआ है, तमाम बड़े नेता वहां की वेशभूषा के साथ आपको चुनावी मैदान में दिखे थे। इसलिए बीजेपी अगर एज में रहती है तो उसके मनोबल को लेकर और 2024 के नैरेटिव को लेकर ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि हर एक चुनाव बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, पार्षद चुनाव भी वो उसी से ऐसे ही लड़ती है जैसे वो उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में ये तीनों राज्यों के जो नतीजे होंगे वो एक बार फिर किसी भी पार्टी को जो जीत हासिल करेगी वो उनको बहुत आगे 2024 के करीब ले जाएगी। बिल्कुल। और अदिति, अगर महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ अगर नागालैंड की बात कर लेते हैं तो महिला की बहुत बड़ी ज्यादा वहां पर आबादी है, और जिस तरीके से अगर हम 2014 देख लें, उसके बाद 17 देख लें, 19 देख लें, फिर या 22 देख लें, महिलाओं ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है सत्ता पलटने में और सत्ता बनाने में, महिलाओं ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है, तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी भी और उनकी अहमियत अलग ही नजर आती है। देखिए बंगाल से शुरू होते हुए और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर का इलाका है वहां पे महिलाओं का रोल घरों में भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वही है जो शायद घर की इकोनॉमी चलाती है, वही है जो घर के डिसीजन मेकिंग में भी होती है। तो ऐसे में अगर जिन महिलाओं को आधी आबादी अपन कहते हैं, तमाम चीजें हैं जी, जिनके प्रति सरकारों के नजरिए बदले हैं अब, और खास तौर पर नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण से लेकर तमाम चीजों पर लगातार काम करती आई है, तो ऐसे में वहां की आबादी किसको चुनती है वो भी एक बहुत बड़ा 2024 के मद्देनजर एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है। अदिति एक बात और, क्योंकि यहाँ पर बेशक स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अभी तक धर्म और हिंदुत्व की राजनीति करते हुए आई है, लेकिन अगर मेघालय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, पिछली बार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी लेकिन इस बार वो गठबंधन से अलग हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेघालय में अकेले चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी है। अदिति इससे मैं समझना चाहूंगी कि अलग कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का क्या बताता है, और साथ ही साथ कांग्रेस की जो सक्रियता नहीं देखने को मिली है वो आप कैसे देख रही हैं? देखिए कांग्रेस की सक्रियता तो गुजरात चुनाव में भी देखने को नहीं मिली थी, और यहाँ तक कि हिमाचल चुनाव में भी भले ही सरकार जीत ली गई हो लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां पर जाकर जमीन पे सारे नेताओं ने बहुत मेहनत की हो, क्योंकि कई प्रियंका गांधी की भी ऐसी रैली थी जो बाद में रद्द कर दी गई थी, लेकिन फिर भी जो चुनाव जीतता है वही बाजीगर होता है, जो जीते वही बाजीगर, तो इसलिए वो मुद्दा अलग है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं गया, बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे गए, पर इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा है कि वहां आपके लोकल इश्यूज हैं और वहां पे किस तरीके से आप मुख्य धारा केंद्र से आप जुड़े, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट स्लो है, डेवलपमेंट लैक करता है, वहां पे सब कुछ पिछड़ जाता है, तो ऐसे में अब वहां के लोग कैसे खुद को देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन केवल उसी शर्त पे करना चाहती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का अगर जनाधार से लेकर संगठन कम है, लेकिन पिछले दिनों में संघ पिछले 12 से 15 सालों से पहले असम में काम कर रहा था, त्रिपुरा में काम कर रहा था, वहीं पिछले सालों में मेघालय में ग्राउंड पे काम किया है, तो इस बार बीजेपी को लगता है कि उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया है। हालांकि मेघालय में कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद या बहुत ज्यादा खुशी की बात बीजेपी के लिए नजर नहीं आई, लेकिन वो रीजनल पार्टीज के साथ गठबंधन जब आप करते हो तो आप दबाव की राजनीति में रहते हो। हालांकि बीजेपी का अब ये भी ट्रेंड है कि सरकार में आना है, चाहे कैसे भी आए, किसी के साथ भी आए, गठबंधन में आए, कैसे भी आए, तो आपको देखने को मिल सकता है कि चुनाव में अगर नतीजे अच्छे नहीं आते तो चुनाव के बाद पोस्ट गठबंधन हो जाए। बिल्कुल, खुद का संगठन खड़ा करना एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी बीजेपी के लिए हो गई है, क्योंकि वो हर एक चीज में 2024 की लोकसभा सीटें काउंट कर रही है। बिल्कुल अदिति, और अगर त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के मुद्दे भी अलग हो जाते हैं, एक सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर है और जो बंगाली भाषाई लोग हैं वो बड़ी संख्या में है, और अगर आदिवासियों की बात करें तो वो करीब 31% के करीब वहां पर हैं, तो आदिवासी मुद्दों को भुनाने की कोशिश भी है, लेकिन साथ ही साथ इस बार अदिति टिपरा मोथा भी है, तो क्या टिपरा मोथा क्या गणित बिगाड़ सकती है किसी का, उसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, त्रिपुरा मोर्चा गणित बिगाड़ भी सकती है, लेकिन आपने देखा कि देश की, हालांकि इस मुद्दे को अगर उठाने से बार बार ये कहा जाता है कि सांप्रदायिकता या इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जो देश की राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं। गुजरात में जितना भी आदिवासी बेल्ट था वो राजस्थान के मानगढ़ गांव से जब रैली करी तो वो आदिवासी एकजुट होकर बीजेपी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया जी।
तो देश भर में ये मैसेज देना आदिवासी का ये नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है। इसीलिए त्रिपुरा में एक तो जो असम के सीएम है उनका भी बहुत इम्पैक्ट है, उन्होंने भी अंडर में बहुत काम किया है। उन्होंने बताया कि आप पिछड़े आज जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे आपको हर एक चीज मुहैया करा सकती है। और वहाँ पे जो लोकल इश्यूज जैसे सुरक्षा की बात हो, मकानों को लेकर भी बहुत सारे वहाँ पर इश्यूज है सुरक्षा से लेकर, तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी बेस्ट वहाँ पर जिसे बोलते हैं मैनिफेस्टो में भी लोगों को बात कही है, केंद्र की सारी नीतियों को भी किया है अलग तरीके से बताया कि कैसे आपका उत्थान हो सकता है। जी, और दूसरी बड़ी बात है कि ट्राइबल्स के साथ मैन टू मैन कनेक्ट करने की होने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाई है। ऐसे में नतीजे ही आप बताएंगे, हालांकि त्रिपुरा में बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट खुद को फील कर रही है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है, और यही वजह है कि अदिति कि जो धुर विरोधी है, जो लेफ्ट है और कांग्रेस है, वो इस बार साथ चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, ये देखिए ट्रेंड एक अलग तरीके का है कि आप जनादेश के अगेंस्ट जाके काम करना चाहते हैं। ऐसे में चाहे फिर वो आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बना के सत्ता में आने की कोशिश की हो, चाहे आपने किसी भी राज्य में जहां पर आप धुर विरोधी थे वहां पर अब आप गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश करें, वहीं 2024 के मद्देनजर भी कांग्रेस चाहती है कि पूरा एकजुट होकर जहां पर आपकी कई जगह विचारधारा नहीं मिलती लेकिन आप सत्ता में आकर साथ में चलना चाहते हो। बीजेपी के लिए भी कहें जैसे जम्मू कश्मीर में आप पहले पीडीपी के साथ आके वहां के इश्यूज को समझे, संगठन बढ़ाया, तो अब एक नया ट्रेंड है कि राजनीति में आप सत्ता पाने के लिए अपने धुर विरोधी जो अलग विचारधारा वाले हैं उनके साथ भी आकर सत्ता में रहकर सत्ता चलाने की कोशिश करते हो। तो ये एक और जनादेश के विरुद्ध बात है कि जनादेश जब भी आया है वो अलग तरीके से आया है क्योंकि वामपंथी सोच अलग है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, लेकिन आपने दूसरे देशों का जैसे लालू और नीतीश का साथ आना ये एक बहुत बड़ा बात थी जब ऐसा हुआ था। तो अब ये ट्रेंड देखने को मिला है कि आप सत्ता में आने के लिए आप अलग विचारधारा के लोगों के साथ, एकदम अलग विचारधारा के लोगों के साथ भी गठबंधन कर लेते हो। आपने बंगाल में भी देखा यही चीज, आपने अलग अलग जगह ये चीज देखी है। जी बिल्कुल, अदिति एक बात और यहाँ पर जिसका आप जिक्र कर रही है कि दो धुर विरोधी किस लिए साथ आ गए, लेकिन अदिति यहाँ पर चलिए कांग्रेस का तो समझ में आता है क्योंकि अगर त्रिपुरा की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो त्रिपुरा में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था 2018 में, मेरे ख्याल से खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पाई थी। लेकिन अगर सीपीएम की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, तो वहां पर सीपीआईएम का लगातार हमने देखा है कि 25 सालों से कब्जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस के साथ सीपीआईएम का गठबंधन, इसे आप कैसे देख रही हैं? आदिति, तो देखिए मेघालय में 13 केंद्रों पर मतगणना होगी। आपको बताएं कि सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में काउंटिंग आज ही है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के नतीजे आज ही आने वाले हैं, और इन नतीजों पर हर किसी की नजर है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दे स्थानीय हैं, क्योंकि यहाँ की जनता स्थानीय मुद्दों पर वोट करती है। जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। और आपको ये भी बताएं कि मेघालय में भी 60 सीटें हैं, तीनों ही राज्यों में 60 सीटें हैं और दो जगहों पर 59 सीटों पर मतदान हुआ था। मेघालय की अगर बात की जाए तो 13 केंद्रों पर मतगणना होगी। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में काउंटिंग आज है, सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। मेघालय और नागालैंड की बात करें तो 59 सीटों पर यहां पर मतदान हुआ है। इसकी वजह यह है कि एक जगह एक प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद 59 सीट पर मतदान हुआ, और दूसरी जगह की अगर बात की जाए एक प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव को टाल दिया गया, यही वजह रही कि 59 सीटों पर यह चुनाव हुआ है।